Hello guys, welcome back to channel once again. In today's video we have come discuss about 10 plus most important MCQ of cell cycle and cell division. Dear student, आप लोगों को ये question जरूर करने चाहिए because इससे similar question आपको exam में पूछे जा सकते हैं. हो सकता है ये same question repeat हो सकते हैं. जितने भी मैंने question लिए हैं वो NEET previous years exam के question हैं. इससे आपको pattern भी समझ में आ जाएगा and आपकी practice भी हो जाएगी. Now first question, DNA replication in bacteria occurs. डियर स्टूडेंट, ये डीएनए रेप्लिकेशन का बैक्टीरिया के किस फेज में होने के पूछ रहा है. डियर स्टूडेंट, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है. देन फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ड्यूरिंग एस फेज विद इन न्यूक्लियस प्राइ टू फ्यूजन एंड जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन. आई होप आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज प्राइ टू फ्यूजन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस. ये बोल रहा माइटोसिस की करंट सीक्वेंस को बताइए. डियर स्टूडेंट, नीट 2017 का क्वेश्चन है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, देन सेग्रीगेशन, देन टेलोफेज. देन बी ऑप्शन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, देन सेग्रीगेशन, देन टेलोफेज. देन सी ऑप्शन कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, सेग्रीगेशन और टेलोफेज. देन डी ऑप्शन है कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज. डियर स्टूडेंट, माइटोसिस की फेज कंडेंसेशन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, फिर अरेंजमेंट ऑफ एट इक्वेटर एंड सेंट्रोमियर डिवीजन एंड सेग्रीगेशन देन टेलोफेज, ये होती है. तो आई होप आप सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी. डियर स्टूडेंट, ये नीट 2017 क्वेश्चन है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated. Dear student, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है. देन फर्स्ट ऑप्शन एम फेज, सेकेंड ऑप्शन वो G2M एंड एम फेज, सी ऑप्शन G1S एंड डी ऑप्शन है G2 और एम फेज. आई होप आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज G1S फेज. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. डियर स्टूडेंट, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है. इसमें कुछ रहा है कि सेल ग्रोथ के टाइम DNA सिंथेसिस कब होता है, किस फेज में होता है. देन फर्स्ट ऑप्शन है G2 फेज, सेकेंड ऑप्शन है M फेज, सी ऑप्शन है S फेज और डी ऑप्शन है G1 फेज. आई होप आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज एस फेज. नाउ फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, म्यूसिस टेक्स प्लेस इन. ये नीट 2013 का क्वेश्चन है. इसमें पूछा म्यूसिस किस प्लेस में होती है, टेक्स प्लेस इन. देन फर्स्ट ऑप्शन है म्यूसाइड, सेकंड ऑप्शन कोनिडिया, सी ऑप्शन है जेम्यूल और डी ऑप्शन है मेगा स्पोर. आई होप डियर स्टूडेंट आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज मियोसाइट. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इन इम्पोर्टेंट बिकॉज. ये पूछ रहा है कि सैटेलाइट डीएनए इम्पोर्टेंट क्यों है. ये नीट 2000 नीट जो सेकेंड हुई थी 2015 में, री नीट हुई या री AIPMT आप बोल सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आया था. देन फर्स्ट ऑप्शन है कोड्स फॉर एंजाइम्स needed for DNA replication, B option है codes for protein needed in cell cycle और C option है show high degree of polymerization polymorphism in population and also the some degree of polymorphism in an individual which inheritable from parents to children. Then D option है does not code to protein and is सम इन ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन. डियर स्टूडेंट आपने आंसर लगा लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज सी. सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ए इंडिविजुअल विच इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. नाउ सेवंथ क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई ए पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड. ये नीट 2013 का क्वेश्चन है. देन फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेटोरियल प्लेट्स,
काइनेटोकोर, बाइवेलेंट या ऑक्सोनेम। इसमें क्या पूछ रहा है, फेयर्स की बात कर रहा है, सिनेप्स की फेयर की बात कर रहा है, वो भी होमोलोगस। देन सो द करेक्ट आंसर इज बाइवेलेंट। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलो विंग इज नॉट ए करेक्ट स्टैटिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। देन फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइनल फाइबर्स, सेकेंड ऑप्शन है डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सी ऑप्शन है क्रोमोजोम मूवमेंट एंड डी ऑप्शन है साइनेप्सिस। आई होप आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। देन सो द करेक्ट आंसर इज साइनेप्सिस। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इन इनिटेड एट। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। देन फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है पैकाइटिन, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है लिप्टोटीन, सी ऑप्शन दे रखा है जाइगोटीन और डी ऑप्शन दे रखा है डिप्लोटीन। आई होप आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज पैकाइटिन। नाउ टेंथ क्वेश्चन, स्पाइनल फाइबर्स अटैच ऑन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। स्पाइनल फाइबर अटैच्ड ऑन, स्पाइनल फाइबर्स है वो अटैच कहाँ पर होते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा टेलोमेयर ऑन द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम या काइनेटोसोम द क्रोमोसोम। डियर स्टूडेंट, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। काइनेटोकोर दे रखा है यहाँ, यहाँ दे रखा है काइनेटोसोम। आई होप आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू गाइज़।